हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ बेबी का मील प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेबी सुबह उठ के अपना मिल्क पी रहा है और उसके बाद वो कुछ देर खेलता रहता है, तो इसी बीच मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। तो चलिए आज का ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का चिल्ला। ये बहुत ही फिलिंग होता है और बहुत ही न्यूट्रिशियस भी। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने आज सिर्फ धनिया पत्ता और प्याज डाला है। और मैं इसमें थोड़ा सा आटा भी डालती हूँ ताकि बेसन का चिल्ला थोड़ा सॉफ्ट बने। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसका प्रोसेस बहुत ईजी है, जस्ट आपको पैन पर थोड़ा तेल डालना है, फिर अपने हिसाब से आप बेसन को कितना भी बड़ा या छोटा बना सकते हैं। चाहे ट्राई करिए थोड़ा पतला बनाएं ताकि बहुत ही नरम और बेबी को खाने में भी वो अच्छा लगे। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है बेबीज़ के लिए। चिल्ली को दोनों साइड से बहुत अच्छे से पकाएं ताकि वो बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। और ये ब्रेकफास्ट बेबी का बिल्कुल रेडी है। मैं इसको थोड़ा दूध के साथ सर्व कर रही हूँ ताकि उसको अगर थोड़ा भी ड्राई लगे तो वो बीच में मिल्क भी पी सकता है। और ब्रेकफास्ट के लिए ओट्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको जल्दी जल्दी में कुछ बनाना है तो ओट्स विद फ्रूट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो चलिए मिड मॉर्निंग स्नैक की ओर चलते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं बेबी को हमेशा फ्रूट सर्व करती हूँ। ये इसका फेवरेट मील टाइम है और वो खुद अपने आप ही खाता है, तो उसको बहुत ही खुशी होती है। और मैं भी इस बीच अपना थोड़ा काम कर लेती हूँ, तो ये भी मेरा फेवरेट मील टाइम है। और फूड बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, तो आप मेक श्योर करिए कि कम से कम एक टाइम फ्रूट बेबीज़ को ज़रूर सर्व करें। जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो सीजनल, उसके साथ आप ऐसे प्लेटर ज़रूर बना के बेबीज़ को दें, बहुत इंजॉय करते हैं। अभी हो गया है लंच टाइम, तो आज मैं बेबी को दूंगी प्लेन राइस, स्पिनच कैरेट दाल और मैं एक करी बना रही हूँ। उसका प्रोसेस बहुत ही ईजी है, जिस मैंने बस कटा हुआ प्याज लिया है और मैं अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट बना लूँगी। और मैं पहले से ही आलू और अंडे को थोड़ा लाइटली फ्राई कर लेती हूँ, तो टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो तेल में मैंने थोड़ा जीरा ऐड कर दिया है, उसके साथ जैसे ही जीरा थोड़ा पक जाए फिर मैंने डाल दिया प्याज और ये डाल दिया मैंने अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट। फिर मैंने डाला है थोड़ा नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी। फिर आप डाल दीजिए थोड़ा तेज़पत्ता और इलायची। जब मसाला पक जाए तो डाल दीजिए फ्राइड आलू और मैं इसमें चिकन मसाला ऐड करती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं फ्राइड एग और इसको कुछ समय तक इसको बॉईल होने दें, फिर इसको आप धनिया पत्ता के साथ गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। चलिए अभी दाल प्रिपेयर कर लेते हैं। मैंने स्पिनच लिया है और कैरेट, जो कि मैं दाल के साथ ही प्रेशर कुक कर दूंगी थोड़े हल्दी और नमक के साथ। इसको 5 से 6 विसल तक मैं पकाऊंगी। और तड़के के लिए मैंने लिया है लहसुन और 5 फोड़न। ये टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इसको कुछ मिनट तक उबाल लीजिए। दाल बिल्कुल रेडी है, देखिए कितना न्यूट्रिशियस और अच्छा दिखता है। तो बेबी का लंच बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आपको बेबी के लिए कुछ जल्दी से बनाना है तो ये एक परफेक्ट मील है। इसमें दाल राइस और बॉइल्ड एग सर्व किया है जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस और बेबी को बहुत पसंद आता है। अब है इवनिंग का मील टाइम, तो आज मैं दे रही हूँ बेबी को सूजी का पॉरेज। तो जब सूजी को थोड़ा घी में भून लें, जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें पानी ऐड कर दीजिए और उसको कुछ समय तक बॉईल होने दीजिएगा। उसके बाद आप डाल दीजिए थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा इलायची पाउडर और मैं यहाँ पे थोड़ा बादाम पाउडर भी ऐड करती हूँ क्योंकि बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो थोड़ा आलमंड पाउडर ज़रूर ऐड करिएगा। इसको 2-3 मिनट तक आप अच्छे से उबाल लीजिए ताकि सूजी अच्छे से पक जाए। और ये बिल्कुल रेडी है, तो ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, बहुत हेल्दी भी होता है, बेबी को डाइजेस्ट करने में भी बहुत इजी होता है, तो ये ज़रूर ऐड करिएगा।
इवनिंग के लिए वर्मिसली पॉरिज भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये बहुत ही टेस्टी होता है, तो बेबीज़ को ये बहुत पसंद आता है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए हो गया डिनर टाइम। मैं बेबी को दे रही हूँ चपाती मीन्स पोटैटो फ्राई और दाल। यहाँ मैंने बीन्स और पोटैटो को छोटा छोटा काट लिया है, आप चाहें तो अपने मनचाहे शेप में भी काट सकते हैं। इनको अच्छे से ज़रूर धोएं। तेल में मैंने थोड़ा जीरा डाला है, प्याज और लहसुन। जब थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप डाल दीजिए बीन्स और पोटैटो। अब यहाँ पर मैंने सर मसाले डाल दिए हैं, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से मिला दें। फिर इसको ढक कर पकाएं ताकि बीन्स और पोटैटो अच्छे से पक जाएं। जब बीन्स पोटैटो अच्छे से पक जाएं तो बस चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए और ये बिल्कुल रेडी है। तो डिनर बिल्कुल रेडी है और मेरा बेबी अभी तो छोटे छोटे चपाती खा लेता है, पर ज़रूरी नहीं है हर बच्चा आप इतना ही खाए। हर बच्चे की खुराक बिल्कुल अलग होती है, तो आप उसको धीरे धीरे स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं ताकि बेबी को कुछ डाइजेशन में प्रॉब्लम ना आ जाए, और अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर चेक करें। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज के वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें। थैंक यू।